देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनके वर्ल्ड चैनल। गाइस मैं हूँ आपकी होस्ट नसरीन काशिफ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज संडे का दिन है तो हमने एक छोटा सा और टूर प्लान किया है। तो अभी ये आप देखिए, मैं एक ब्रिज पे खड़ी हुई हूँ, नीचे आपको रोड्स नज़र आ रही होंगी, ट्रैफिक गुजरती हुई। और अगर इस तरफ आप देखें तो ये नियाजी चौक का आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। संडे का गाइस आज दिन है और सर्दी थोड़ी सी बेहतर ही है, दरमियानी है, और हल्की हल्की सी अभी धूप ही निकल आई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो है धूप ही नहीं निकल रही थी। तो आज हमारा प्लान है दोस्तों शरकपुर शरीफ जाने का। तो वहाँ पर एक तो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब का मज़ार भी है, इसके अलावा वहाँ के गुलाब जामुन काफ़ी मशहूर हैं, और मज़ीद वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए हमारे साथ चलते हैं और फिर देखते हैं जी। तो हम बंद रोड से जो है सीधा सीधा आए हैं सगिया पुल, और सगिया पुल हमने सीधा आए हैं क्रॉस किया, तो ये अब सगिया पुल का जो चौक है वो आ गया है। और सगिया पुल का जो चौक है इससे हमने उल्टे हाथ होना है, तो जो जब हम उल्टे हाथ हो जाएंगे तो जो सीधी सड़क है वो शरकपुर शरीफ जा रही है। ये देखिए मौसम, देखिए इस टाइम तकरीबन सुबह के 11:30 बज रहे हैं, धुंध बहुत ज़्यादा है और बाइक पर सर्दी भी लग रही है, लेकिन थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। शरकपुर शरीफ जो है ये लाहौर से तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर है, और गूगल मैप पे मैंने इसका रास्ता देखा था तो तकरीबन 1 घंटे का टाइम शो हो रहा था। और ये जो चौक है आ गया है जहाँ से हमने उल्टे हाथ होने, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है तो निकलते हैं साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके। फूलों की मार्केट भी आ गई है इधर, आप देखें। ये चौक आ गया है और यहाँ से अब हम ये सीधी सड़क जा रही है, और यहाँ से हम उल्टे हाथ मुड़ गए हैं। संडे का दिन है आज, द्वार बाजार भी लगे हुए हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा ही है। ये देखिए, और यहाँ पर जो रोड्स हैं ये बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा जाम हुआ है। ये देखिए कारपेटेड रोड यहाँ पे बन रही है। और गाइस बाइक पे हमारा सब सफ़र जो है वो जा रही है, ये देखिए। और ये जो रोड है सीधी ये जा रही है शरकपुर शरीफ की तरफ, तो हमारे साथ ही रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं शरकपुर शरीफ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये गाइस नीचे से जो है मोटर भी गुजर रही है, और अभी हम पुल के ऊपर हैं। अब ये हम पुल से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये जो है ये बुर्ज अटारी का जो रोड है वो चल रहा है, और शरकपुर यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पर है। सर्दी बहुत ज़्यादा है गाइस, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, सुबह के टाइम हल्की सी निकली थी
और हाथ जो है इस टाइम फुल फ्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बन गई हैं। यहाँ पर भी पहले बहुत ज़्यादा खेत वगैरह होते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं और सोसाइटियाँ यहाँ पर बनती जा रही हैं। ये ठेकरी वाला चौक का जो रोड था वो चल रहा था और अब संगड़ारा शुरू हो गया है। ये छोटे छोटे से रास्ते में स्टॉप्स आते जा रहे हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं शरफपुर शरीफ और रास्ते में ये देखिए हमें अमरूदों का बाग नज़र आया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए बहुत ही ताज़े ताज़े प्यारे प्यारे यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं, और जिधर भी आप देखेंगे आपको अमरूदों के दरख्त नज़र आएंगे। ये देखिए, और इस तरफ भी देखिए ये अमरूदों के बाग हैं, ठीक है। और ये एक दरख्त है, इसको तो बहुत ज़्यादा ही कच्चे पक्के अमरूद लगे हुए हैं, बड़े मज़े के अमरूद लग रहे हैं। तो थोड़ा मैं और आपको आगे की तरफ लेके चलती हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए इतने सारे अमरूद जो हैं ये मेरे पास लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं कच्चे पक्के अमरूद लगे हुए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह का जो एक दरख्त था हमारे घर में पहले था, लेकिन इतने ज़्यादा दरख्त जो हैं अमरूदों के वो आज मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और ये नीचे भी बहुत ज़्यादा जो अमरूद पक गए हैं वो नीचे भी बहुत ज़्यादा तादाद में अमरूद गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बस ये देखिए गाइस, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं। और कुछ अमरूद जो है वो जो पक गए हैं वो ज़मीन पर भी गिर गए, और इस तरफ भी आपको ये खूबसूरत से जो खेतों का व्यू है ये नज़र आ रहा है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। ये हम शरफपुर शरीफ जा रहे हैं, तो रास्ते में खेत आया है, यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे अमरूदों के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो है शरफपुर शरीफ के लिए, तो उधर चलते हैं और उधर हम हाजिरी देंगे हज़रत मियाँ शेख मोहम्मद शरफपुरी साहब के मज़ार पर, और वहाँ पर एक जमीर की फ़िश बहुत मशहूर है, उसके अलावा वहाँ के जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत मशहूर हैं, और एक मशहूर बाज़ार भी है। तो चलते हैं और सारी जगहों को कोशिश करते हैं कि आज हम विज़िट कर सकें। जी तो दोस्तों, और ये हम जो है शरफपुर शरीफ पहुँच गए हैं तकरीबन, और यहाँ से बस 1 किलोमीटर के फासले पर शरफपुर शरीफ रह गया। तो चले चलते हैं आगे।